राजे द्वारा बनाया 19 मंजिला पिंड पुराने पंजाब विच अज भी मौजूद। दरख्तां उपर बने रस्ते राही पहुंचना पैंदा घरां तक, क्यों मौत दी चेतावनी दे थां थां लगे बोर्ड। असीं भी जाके देखदे हां किदां दा लगदा आला दुआला। वाह भी वाह, ते पाड़ी डर नहीं लगदा इन्नी हाइट ते? कोई डर नहीं है। कैसे रखकर पैर जाते हो दरख्त के ऊपर? अब मतलब आप ऐसे पकड़ पकड़ के इत्थे दे जिहड़े लोक आ इह आदी हो चुके आ, ते इन्हां नूं इन्नी ज्यादा उचाई ते इस तरह बाहर बैठना आम लगता आ। जद के तुसीं आ देख लो, एक सिर्फ आ फट्टे लगे हुए आ, ते थल्ले इहदे इन्नी डूंगी खाई आ, देख के बंदे नूं वैसे ही हौल पैंदे आ। जे दरख्त लगाया हुआ चढ़ने के लिए, मतलब यहाँ के लोगों को पूरा आदत हो गया ना बिहार से। ते लकड़ दी उपर सारी डिजाइनिंग दिखाई दे रही आ, बहुत जबरदस्त कारीगरी की गई आ। छोटे छोटे दरवाजे, ड्राई फ्रूट का पेस्टिंग किया है, एप्रिकॉट सीड्स, नट्स, एलमंड और पॉपी सीड्स। और ये हमने मिलेट सरेरे का मीठा बनाया, जो हमने देसी घी में बनाया है। और ये देसी गाय का देसी घी है। और ये जो है ड्राई फ्रूट का चटनी है, जिसमें हमने अखरोट, आजकल घास की कटाई होती है वो भी करनी है, सुबह 9-10 बजे तक वो करना है, 10 बजे के बाद छोड़नी है, फिर 5 बजे घर ले जाते हैं, 5 बजे के बाद घर का काम भी, और पूरा गांव का तो भी लगे कुछ काम तो बहुत किए। फिर मकान बनाने लास्ट में ये चक्कर पड़ा, ये चलाने का। ये चक्कर क्यों पड़ा? ये मुकद्दर का लिखा चाहे नहीं जाता। रूम वगैरह मिल जाएंगे? जी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ते खाने पीने का? खाना पीना भी मिल जाएगा यहीं पे। यहीं पे मिल जाएगा। हुण तुसीं इत्थों आले दुआले देख सकते हैं किन्नियां डूंगियां डूंगियां खाइयां आ, किन्ना ज़्यादा रिस्की ये रास्ता आ जिहड़ा सारा कच्चा आ। PB7 राइडर चैनल देखने वाले सारे दर्शकों नू नमस्ते, अदाब ते दिलों प्यार भरी सत श्री अकाल। कल राती असी हुशियारपुर तो हिमाचल के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बठाड़ पिंड विच आके रुके सगे। तुसी खुद देख के खुश हो जाओगे कि वाकई हर किसी नू इत्थे ही रुकना चाहिए आ, इन्ना शांत माहौल आ। घर वाला तुसी ला लो कि आओ भगत हुंदा इत्थे, इन्ने चंगे अंकल आंटी आ। हुण इस वेले सवेर दे 9 बज चुके आ, असी तुहानूं नवी जगह ते लैके जा रहे हां। इत्थों 10 किलोमीटर दूर बंजार दे कोल चैनी कोठी आ, जिहड़ा राजे दा हजारां साल पुराना पिंड आ। उस पिंड विच 19 मंजिला राजे दा महल हुंदा सीगा, जिहड़ा इस वेले 12 मंजिल तक रह चुकिया आ, बाकी ढह चुकिया आ। होर भी कई इस तरह दीआं इमारतां उत्थे देखण नूं मिलदीआं आ। कहिंदे कि उहनां इमारतां उपर पहुँचण लई जिहड़ीआं पौड़ियां आ उह दरख्त टैप आ, दरख्त ही गड्डे होए आ, जिन्हां उपर चढ़ना हर किसी दे बस दी गल नहीं। जिहड़े लोकल बंदे चढ़दे आ उह भी धोती पा के फिर चढ़ सकदे आ। साडा ब्रेकफास्ट आ गया, आंटी उन्होंने अपने हाथों ना बनाया आ, जो इत्थे दा लोकल फूड आ। ते आंटी दसो साडे दर्शकां नूं की बनाया तुसीं ब्रेकफास्ट वास्ते? नमस्कार जी, मैंने पीए बनाई है जो आटे की बनती है, तुसीं देख सकते हैं। हाँ जी। ते ए आंटी आटे दी? हाँ जी हाँ जी, लोकल आटा। अच्छा, लोकल आटा मतलब उहदी बणाउंदे आ। ते इहदे विच की मतलब आ, देसी घी इहदे विच भी तुसीं करदे आ? हाँ जी हाँ जी, लोकल ही देसी आटा। हाँ जी ठीक है, इसको ठीक है ठीक है। ये चटनी बनाई है, ये चटनी है ड्राई फ्रूट दी, ड्राई फ्रूट और गुट्टी वगैरह ये अखरोट की, अखरोट की। हां जी हां जी। ते इसको किसके साथ खाते हैं, इस ड्राई फ्रूट की चटनी के साथ? ड्राई फ्रूट और ये मीठा दूध के साथ। अच्छा, ये दूध मीठे वाला दूध, ये मीठे वाला दूध दा
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਗਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਦੇਸੀ ਗਾਏ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਸੀ ਲੋਕਲ ਗਾਏ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਲ ਦੇਸੀ ਗਾਈ ਦਾ ਘੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਂਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇੜੂ ਹੈ ਚੇੜੂ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੇੜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੈਸੇ ਲੋਕਲ ਆਟਾ ਤਾਂ ਸੀਕ ਅਖਨੌਰ। ਓਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹਮਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ। ਬੜੇ ਪੇੜ ਹੋਤੇ ਅਸੇ ਬਲੈਕ ਵਾਲਾ ਹੋਤਾ ਇਤਨਾ ਬੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਾ ਉਸਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂੜੇ ਬਣਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਦੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂੜੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਮੈਂ ਜੈਸੇ ਗੁੜ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਡਾਲਤੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰੌਂਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਆਲੂ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਰੌਂਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਔਰਗੈਨਿਕ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਪਰੇਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਯੂਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਂਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਂਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਨਮਸਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਨਮਸਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਹਮਨੇ ਸਿੱਡੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਆਟੇ ਕਾ ਬਣਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸਮੇ ਹਮਨੇ ਮਿਲੇਟ ਜੋ ਕੋਦਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਵੋ ਡਾਲਾ ਹੈ ਇਸਮੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਸਕੀ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਹਮ ਲਗਭਗ 10 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਆਟੇ ਕੋ ਗੂੰਦ ਕੇ ਇਸਮੇ ਜੋ ਹੈ ਖਮੀਰ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰ ਦਹੀਂ ਡਾਲ ਕੇ ਹਮ ਇਸਟ ਸੋਡਾ ਔਰ ਇਨੋ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਡਾਲਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸਮੇ ਜੋ ਹੈ ਹਮਨੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਕਾ ਪੇਸਟਿੰਗ ਕੀਆ ਹੈ ਐਪ੍ਰੀਕੋਟ ਸੀਡ ਨਟਸ ਐਲਮੰਡ ਔਰ ਪੋਪੀ ਸੀਡਸ ਔਰ ਇਹ ਹਮਨੇ ਮਿਲੇਟ ਸਰੈਰੇ ਕਾ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਹਮਨੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਮੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸਮੇ ਜੋ ਹੈ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਕਾ ਪੇਸਟ ਡਾਲਾ ਹੈ ਹਲਕਾ ਸਾ। ਹਾਂਜੀ ਐਪਲ ਔਰ ਲਿੰਗੜ ਕਾ ਆਚਾਰ ਹੈ ਦੋਨੋ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕਾ ਮਿਕਸ ਆਚਾਰ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਦੇਸੀ ਗਾ ਕਾ ਦੇਸੀ ਘੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਕਾ ਚਟਨੀ ਹੈ ਜਿਸਮੇ ਹਮਨੇ ਅਖਰੋਟ ਔਰ ਮਿੱਠੀ ਗੁੱਟੀ ਡਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਔਰ ਇਸਮੇ ਪੋਪੀ ਸੀਡਸ ਵੀ ਯੂਜ ਹੁਆ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਨ ਤਿੰਨ ਕਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਮਨੇ ਉਸਕਾ ਚਟਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਤੇ ਆ ਵਾਟਰ ਕਰੋਸਿੰਗ ਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਆ ਬਰਫ ਵਰਗਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਆ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਆ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ
जिथे तक पहुँचना बहुत ज़्यादा औखा आ। पहला लोग पैदल यात्रा करते सी इस पिंड तक पहुँचने वास्ते, क्योंकि उत्थे एक बहुत पुराना ऋषि का मंदिर बनया होया आ। लेकिन हुण पिंड वाले ने यह रास्ता बनाता आ, लेकिन तुसीं हालात दे सकते हैं रास्ते दे बड़े बड़े पत्थर आ। जो मोटरसाइकिल इन्हां दे उपर दी लंघदा ना, उपर उछलदा आ, सामना औखा हो जांदा आ। बरसातां करके लैंडस्लाइडिंगां भी बहुत होईयां आ इत्थे। हुण तुसीं इत्थों आले दुआले देख सकते हैं किन्नियां डूंघियां डूंघियां खाईयां आ, किन्ना ज़्यादा रिस्की ये रास्ता आ जिहड़ा सारा कच्चा आ। ये 5-7 किलोमीटर का रास्ता आ जिहड़ा इस तरह का ही जाना आ उपर तक। रास्ते में सानू इत्थे भी भेड़ा बकरियां दिखाई दे रही आ। नमस्ते जी। तो फिर आप इनकी ऊन वगैरह को बेचकर करते हो? पट्टू बनाते हैं ना हमारे। अच्छा जी, जैसे कंबल नहीं होता है। अच्छा, ओके। होता है दो चार इंच का, वैसे बनेगा पट्टू भी बनेगा बिल्कुल वैसा ही। मतलब आप इनकी जो ऊन है उनके कपड़े वगैरह बनाते हो? कपड़े भी बनते हैं, जैसे कोट पजामा वगैरह सब कुछ बनते हैं। सब कुछ बनता है, मतलब आमदन हो जाती है? मतलब बाजार में ले जाते हैं ना जो पट्टू होते, वो 8-10-10-12-12-18-18 हजार तक बिकते हैं इसके पट्टू। अच्छा, इसके पट्टू जी, इनके पट्टू, इनके ऊन के पट्टू जो है 18-20 हजार तक बिकते हैं। तो कितनी रखी हुई आपने? हमारे रामपुर 18 ही ये 18 है। रामपुर बीच है भारत देव खोदवा। ठीक है, ठीक है। तो आपने कितनी रखी है ये? मेरे बकरी। आपकी बकरी है? तो खेतों का भी काम करते हो? खेतों का काम भी होता है, जैसे आजकल घास की कटाई होती है वो भी करनी है। सुबह 9-10 बजे तक वो करना है, 10 बजे के बाद छोड़नी है, फिर 5 बजे घर ले जाते हैं, 5 बजे के बाद घर का काम भी, और पूरा गांव काटने लगी सब कुछ। अब हम पहाड़ी है तो पहाड़ की तरह ही तो जीना पड़ेगा। मार को अपने हिसाब से जीते हैं। जैसे आपको बढ़िया लगता है ना ऐसे? हाँ जी सर, हमारे को बाहर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बाहर हमारा कोई ये नहीं होता है। अगर हमारा जो लोकल एरिया है अच्छा है, ठंडा है, बढ़िया है, जीने के लिए अच्छा है, फिट रहते हैं वहाँ पर। अगर बाहर जाएंगे तो बुरा हाल है, बुरा हाल है। सही बात है। और बापू जी एक बड़ी क्या बात आ जी, है बढ़िया है, मेले लाए पे रास्ते हैं तुसी भेड़ा दे? चलती रहती, पेट भर लेना। सही बात है, नीचे है, यही रास्ता जाता ऊपर को? यही रास्ता, एक ही रास्ता है, सिंगल सीधा ही। ठीक है। उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र हो गई 75 साल है। तो आप भी यही काम करते हो? नहीं, पहले तो किया, पता किसी ना काम किया, मशीन में काम किया, आरा मशीन में चराई करने का, कणक मंडाई, तिल कढ़ना, काम तो बहुत किए। फिर मकान बनाने, लास्ट में ये चक्कर पड़ा भेड़ी चराने का। ये चक्कर क्यों पड़ा? ये मुकद्दर का लिखा चाहे नहीं जाता, शनिदेव बोलते जो किस्मत में लिखा वो तो निभाना ही पड़ेगा, ये चक्कर है। फिर बाद में ठीक है, बढ़िया है काम जी। बढ़िया है, मनोरंजन। बोलते हैं कि कमाई बहुत होती है इसमें। कमाई तो होती है, ऐसे बन जाते 20-25 हज़ार। मतलब बन जाता महीनों का? नहीं नहीं, महीनों का जो बेचना ना, एक नग भी 20 से कम जाएगा नहीं। मतलब एक एक पेट का 20-25 हज़ार मिल जाता? हाँ, जब ऐसी हटी कटी हो ना, जब लड़ी हो तो 20-25 से कम जाएगा। अब महंगाई चढ़ गई ना ऊपर ऊपर, इस चक्कर ये रास्ता मुकन का ना ही नहीं लेंदा पाया। आ पहाड़ों के उपर ही बनया हुआ रास्ता है, मोटरसाइकिल पूरा है ना जोर खा रहा, रास्ते ने तो बल्ले बल्ले कराई पई आ। वाह भाई वाह, पहाड़ियाँ भी हूँ तो नीवियाँ पै गई, इन्नी ज़्यादा असं ऊंचाई पर पहुँच गए हैं। लो जी, आखिर असी अपनी मंजिल ते पहुँच गए हाँ। तुसी सामने दे सकते हैं पहाड़ी दे उपर बसया पिंड चैनी कोठी। देख लो कुदरत दे रंग, किन्नी उच्ची पहाड़ी आ,
जेते ये पिंड लट गया होया नज़र आ रहा आ। मोटरसाइकिल साडा जिथे तक पहुँचना सी असी पजाता सामने खड़ा करता साइड ते करके। हुण आ सामने पिंड आ पहाड़ी दे उपर जिथे तक असी पैदल पहुँचना आ ते हुण चलदे आ। पगडंडी टैप ये रस्ता आ पिंड दे पुराने पुराने घर सानू दिखाई दे पे आ। तुसी आ देख सकते आ थल्लियों सारा पत्थरां तो तैयार आ उपरों मिट्टी नाल लिपिया होया आ ते उपरों सारा लक्कड़ दा बनया होया आ। इस पिंड में तुहानू बखरे बखरे डिजाइन दे घर दिखाई देणगे ते तुसी सामने देख सकते आ किन्नियां उच्चियां उच्चियां इमारतां नज़र आ रहियां आ। इत्थों पता लगदा ता ही इस पिंड नूं चैनी कोठी कहिंदे आ। ते तुसी इधर इस मकान वल नज़र मारो ये लक्कड़ दियां पौड़ियां जा रहियां। इसे तरह उपर ये मकान भी उसे तरह सारा पत्थरां दा थल्लियों ते उपरों लक्कड़ दा बनया होया आ। ते आ सारी मिट्टी आ इधर घाह वगैरह वढ के रख्या होया आ ते थल्ले छलियां वगैरह बीजियां हुई आ। दरवाजे ताकियां दे डिजाइन कारीगरां ने किन्नी मेहनत मारी हुई आ लक्कड़ दे उत्ते किदां ये कारागरी कीती आ। ते आ बाहर बैठण वास्ते जो असी देखदे आ पहाड़ी एरिए दे विच जिहड़े घर हुंदे आ बहुत वधिया माहौल बनाया होया आ घरां दे आले दुआले दा। हुण वधदे आ अगले घरां वल नूं। इस वेले सानू जिन्ने भी घर दिखाई दे रहे आ सारे तीन तीन मंजिली चार चार मंजिली आ कई तो बहुत ज़्यादा मंजिलों दे आ। अगे जाके बिल्कुल गब्बे पिंड दे सानू 12 मंजिली चैनी कोठी नज़र आऊगी ते उहदे नाल नाल होर भी कई उस तरह दीआं मंजिलों दे घर आ। आ देखो इस तरह सामने एक तरह बेड़ा ही आ असीं कह सकते हैं घरां दे मोहरे बैठण वास्ते हवादार। गलियां दे नाल फसलां बीजियां हुई आ। वाह वी वाह क्या माहौल आ पिंड दा खुले बेड़े सब्जियां भाजियां जगह जगह। इसे तरह तुसी इस गली वल नज़र मारो किन्नी छोटी गली आ जिहड़ी घरां वल नूं जा रही आ। सारे घर मिट्टी नाल लिपे होए आ। वाह वी वाह दिल खुश हो गया घर देख के इन्ने पुराने पुराने लक्कड़ तो पता चलदा आ किन्नी पुरानी ये लक्कड़ आ। इस तरह इधरला बल इस तरह इधरला माहौल छत्तां उपर सारे स्लेटां लगाईआं होईआं आ। पुराने पुराने संदूक पए होए आ असीं संदूक टैप ही इहनूं कह सकदे आ। वाह वाह हाँ जी क्या हाल चाल है? बढ़िया घूम रहे हैं हम पंजाब से। आप यहीं से हैं? चैनी से हैं। बाय बाय कर दो।
ਇਹ ਗੇਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਚੈਨੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੱਬੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਠੀ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-6 ਮੰਜ਼ਲੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਨੀ ਕੋਠੀ ਮੰਗਰ ਆ ਥੱਲਿਓਂ ਸਾਰੀ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਇਹ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੌਡੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕੀ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਰਖਤ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਆ ਅਤੇ 50 ਫੁੱਟ ਆ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗਤੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਪੌਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਆ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰੱਖ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਆ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕੋਠੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸਖਤ ਮਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਗਿਰਨੇ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖੁਦ ਹੋਵੋਗੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਹੌਲ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਪੌਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਡੇਂਜਰਸ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਅੰਦਰ ਗਤੀ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਆ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਘਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਿਪੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਫਰਨੀਚਰਿੰਗ ਆ ਬੇੜਲਾ ਬੇੜਲਾ ਘਰ ਆ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਆ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਆ ਨਮਸਤੇ ਜੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਕੀ ਆ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਾਹ ਵਗੈਰਾ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਮੱਕੀ ਦਾਣੇ ਉੱਪਰ ਅੱਛਾ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਅੱਛਾ ਜੇ ਮਟਰ ਮਟਰ ਜੈਸੇ ਆ ਨਾ ਜੈਸੇ ਮਟਰ ਓਕੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅਤੇ ਕਿਆ ਬੋਲਤੇ ਆ ਜੀ ਇਸੇ ਮਟਰ ਅੱਛਾ ਜੇ ਮਟਰ ਜੇ ਕਿਸਾ ਮਟਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਦਾਲ ਮਟਰ ਅੰਕਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਟਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕਲਰ ਦੇ ਰਾਜਮਾ ਅਭੀ ਖੇਤ ਮੇ ਰਾਜਮਾ
उसकी भी सेम फली होती है ना, ऐसी होती है उसकी भी, लंबी इससे लंबी। वो सामने जो चैनी कोठी है, थोड़ा सा बताओ इसके बारे में। ये राजे की बोल रहे हैं कि राजे की, पता नहीं मेरे को नहीं मालूम है पीछे से बनी है, बनी है ये, बुजुर्ग दादा परदादे भी नहीं जानते इसको, मतलब बहुत पुरानी है राजे की, बहुत पुरानी। ते जो ये पौड़ी है, ये तो दरख्त ही लगा होया पूरा गड्ढा होया ऊपर चढ़ने वास्ते, ये तो दियार का है पूरा पेड़ लगा हुआ, एक एक पेड़। अच्छा, एक दो पेड़ लगे हुए हैं, दो पेड़। किस तरह ऊपर चढ़ाया जाऊगा दरख्त के ऊपर? चढ़ना पड़ता है ऐसे ऊपर, ऊपर दरवाजा लगा फिर चढ़ना पड़ता। नहीं लेकिन है तो रिस्की है ना दरख्त के ऊपर चढ़ कर जाना। और आंटी जी बढ़िया जी, ठीक है। आप भी कभी गए ऊपर? हाँ? चैनी कोठी में गए कभी? रोज जाते हैं। अच्छा, अभी भी जाते हो चैनी कोठी में? अच्छा जी, जाते हो। फिर आपको डर नहीं लगता जैसे सभी बोल रहे हैं कि नहीं जाना? ते माता जी, जो ये दरख्त है अंकल ने भी बताया, ते इसके ऊपर पैर कैसे रखते हो आप, कैसे रखकर पैर जाते हो दरख्त के ऊपर? अब मतलब आप ऐसे पकड़ पकड़ के? चलो ठीक है जी। पिंड घूमते घूमते शाम पै पई आ, तो एन ठंडा मौसम हो गया। आ देख लो पशुओं वास्ते घा वगैरह रखने बनाए हुए आ, तो अंदर तूड़ी भी पई हुई है ये। इस तरह सामने, इस तरह इधर ये सब फलों के दरख्त आ। वाह भी वाह, क्या नज़ारा आ, तुसी देख लो घरां दी बिल्कुल बैक साइड ते किन्ना संघना जंगल आ। घर दे उपरों धुआं निकलता दिखाई दे रहा जिहड़ा किन्ना वधिया लगता पिया आ, ते असीं तुहानूं नज़दीक करके दिखा रहे हां। रूम वगैरह मिल जाएंगे? हां जी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ते खाने पीने का? खाना पीना भी मिल जाएगा यहीं पे। यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। ते जहां मेडिकल फैसिलिटी है साथ में कोई हॉस्पिटल वगैरह? जहां तो बंजार में ही है, डिस्पेंसरी है नीचे जो बागी मंदिर है वहां पे। ओके, वहां है। चलो जे कोई आता तो उसको पूरी फैसिलिटी मिलेगी रहने की खाने पीने की यहाँ पे, है ना। सानू ये पिंड तो हिमाचल के सारे पिंडा नालों बिल्कुल वखरा लग्या, क्योंकि जिदा मैं पहला भी गल की हर घर की एक वखरी डिजाइनिंग नज़र आ रही आ। बहुत सोच समझ के लोगों ने इत्थे घर बनाए हुए आ। भावें कोई कच्चा घर आ, हर घर की तुहानूं एक जिदा मैं पहला भी दस्या कि वक्री खूबसूरती लगेगी। दो मंजिली आ, उपरों देखो किदा झोंपड़ी मंगर बनाया होया। इस तरह ये मगर आ सामने चैनी कोठी, जिहदा एक वक्रा ही नज़ारा दिखाई दे रहा। देख लो क्या माहौल आ। हमें बताओगे जी क्यों बजा रहे हैं आप? हम तो बजा रहे हैं, मैं कहा शायद कोई प्रोग्राम वगैरह होगा कोई।
प्यार दे रहे हैं तुहानू असीं दोनों नू, ठीक है दोनों कर लियो, बहुत वधिया बजाउंदे पए हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? अठवीं दे विच एट्थ दोनों जाने हैं। चलो ठीक है, ठीक है माता जी। पंजाब से आए, पंजाब से हम हुशियारपुर से। मौसम बहुत ठंडा जहाँ का, हवा चल पड़ी अभी। हाँ जी, हाँ भी हम जाएंगे बंजार, वहाँ रुकेंगे जाकर। चलो ठीक है माता जी, बस बस अभी टाइम ज़्यादा हो गया, बस जाना है। देख लो कितना रौनक मेला है इस वेले। हुण असीं तुहानूं हजारां साल पुराना मंदिर आ जिहड़ा इस पिंड विच, ते उधर लैके चलदे आ। सामने तुसीं नज़र मारो, ये मंदिर आ जिथे असीं तुहानूं लैके चलना आ। इस मंदिर की भी बहुत ज़्यादा ऊंचाई आ, किन्ने सोहने सोहने मकान बने हुए आ, कारीगरां ने कहरी किया पिया। पूरा जबरदस्त माहौल बनया पिया इस वेले, क्योंकि हुण रात पैण वाली आ, हवा भी चल पई आ। आ पौड़ियां जा रही मंदिर वल नूं, मंदिर नूं देख के पता चलता आ वाकई ये सदियां पुराना आ। तुसीं आ देख सकते हैं जिहड़े पत्थर किलियां दे विच वरते जांदे आ, ते उपर इन्हां दे घड़ के धार्मिक मूर्तियां भी बनाईयां होईयां आ, तुसीं मार सकते हैं नज़र। अंदरला माहौल देख लो तुसीं, सारा मिट्टी दा, सारा मिट्टी नाल लिपिया होया आ। बहुत पुराना मंदिर आ, वाह भी वाह। राम राम पान जी, आ जाओ जी, आ जाओ, तुहानू मिलण वास्ते आए हाँ असीं, आ जाओ जी। मारो नज़र इस मंदिर वल, सारा मंदिर मिट्टी नाल लिपिया होया आ, ते लक्कड़ दी उपर सारी डिजाइनिंग दिखाई दे रही आ। बहुत जबरदस्त कारीगरी कीती गई आ, छोटे छोटे दरवाजे, ते इन्हां दे उपर आ सारी लक्कड़ दी डिजाइनिंग आ। ते पण जी ने कुंडा खोलता, ते चलदे आ अंदर नूं। ਹੋਰ ਸਭ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਜੈ ਹੋ। ਪੰਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਆ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਾ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਇਸ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮੰਦਰ ਆ? ਇਹ 2000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। 2000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਰ ਆ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਢਾਡ ਠਾਕੁਰ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਮਤਲਬ 2000 ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਕੋ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਸੇ ਲਾਇਆ। ਬਸ ਤਬ ਨੇ ਯਹਾਂ ਕਾ ਨਾਮ ਵੈਸੇ ਕੋਠੇੜ ਥਾ, ਤੋ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਰਾਜੇ ਕੋ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਵੰਸ਼ ਤੋ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਜਾ ਰਹਾ, ਹਮਾਰਾ ਵੀ ਕੁਛ ਯਹਾਂ ਨਾਮ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਰਾਜਾ ਕਈ ਪਤਨੀ ਕਾ ਨਾਮ ਚੈਨੀ ਥਾ, ਤਭੀ ਬੋਲਾ ਆਪਕੇ ਹੀ ਨਾਮ ਸੇ ਚੈਨੀ ਰੱਖਤੇ ਹੈ, ਤਭੀ ਜਾ ਕੇ ਯਹਾਂ ਚੈਨੀ ਬੋਲਤੇ ਹੈ, ਤਭੀ ਗਾਓਂ ਕਾ ਨਾਮ ਚੈਨੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਪਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਿੰਡ ਆ,
दिल खुश हो गया देख के गाँव तो उपरों श्री कृष्ण जी का मंदिर आ पिंड दे विच ओ भी 2000 साल पुराना तुसी दस्या है ना दिल खुश हो गया सारा कच्चा अपन जी मिट्टी ना लिपया होया सारा है ना सारा कच्चा हाँ तो तुसी दर्शन कर सकते हैं श्री कृष्ण भगवान जी दे तुसी देखो मंदिर के अंदरों आ ताकी आ जिहड़ी बाहर नूं निकलदी आ तां जिद्दां असीं देखदे आ ते हिमाचल दे विच बाहर बैठण वास्ते बणिया हुंदा खुल्ला डुल्ला ऐन माहौल ते असीं वी जाके देखदे आ किद्दां दा लगदा आला दुआला वाह वी वाह ते पाणी डर नहीं लगदा इन्नी हाइट ते वाह वी वाह देख लो तुसीं किन्नी ज़्यादा उचाई ते इस वेले असीं बैठे आ थले दे घर भी छोटे छोटे दिखाई दे रहे आ ते तुसी ता फिर नित बैंदे आ जी इत्थे इत्थे दा मौसम फिर तुसी ला लो टॉप दा ही होना है ना हवा ठंडी है ना खुला डुला है ना हुण तुहानू असीं इस जगह तो आले दुआले दा नज़ारा दिखालदे आ हुण असीं वीडियो दी इत्थे लगे आ समाप्ति करन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका आ तुसीं देख सकदे आ नेरा हो गया आ ते असीं वापस 25 किलोमीटर दूर पिंड बठार पहुँचना आ